इसके अंदर ये जो अंडर कोट होता है ये एयर को ट्रैप करता है, तो एयर ट्रैप होती है तो बॉडी के आसपास का जो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन लेवल पे रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे बाहर सर्दी हो। इसलिए जो सर्दी की जगह होती है वो -30 में भी रह लेता है और +30 में रह लेता है। हमारे महेंद्र सिंह जी धोनी जो हमारे देश के हीरो हैं, हमारे देश के आर्मी के जवान भी हैं और हमारे लेजेंड ऑफ क्रिकेट भी हैं, उनके घर में भी एक हस्की है। संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि बोला छोला जैसे चैनल्स पे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एक डॉग अच्छे से कैसे रेज होता है, एक ब्लड लाइन क्या होती है, एक स्टैंडर्ड कैसा होता है। आप 30-40 मिनट खर्च करें ना, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा विराम ले लें और ये देखें आपको कैसा डॉग लेना है। बोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है बोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट। तो आज हम आए हैं जयपुर, जहाँ पर जयपुर शहर बहुत ब्यूटीफुल शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन है ना, एक बार मैंने यहाँ पर एक ब्रीडर ऐसा जानता हूँ जिनके पास लगभग, मतलब गलत नहीं हूँ तो 15-16 साइबेरियन हस्की हैं। यस, जयपुर में साइबेरियन हस्की ब्रीडर हैं वो, बहुत कम आई हुई है उनकी, यूक्रेन में अपने स्टडी कर रहे थे। बट मैं आज इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ये स्पेशल, कि बहुत सारे लोगों का यह मिथ है कि हॉट वेदर में हस्की रह नहीं सकता, अलास्कन मालामस रह नहीं सकता। लेकिन बाकी चीज़ों पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन साइबेरियन हस्की जिसके आप कह लो कि नाना दादा साइड या उनके ऑलरेडी ब्लड लाइन या दूसरी तीसरी पीढ़ी इंडिया में है या ही बॉर्न हुई है, वो रहती है। गाइज मैं आपको प्रूफ करता हूँ। जयपुर का वेदर आप जानते ही हो, ठंडियों में ठीक रहता है लेकिन गर्मियों में बहुत हार्श होता है। लेकिन यहाँ पर साइबेरियन हस्की रहते हैं, विदाउट एसी रहते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। नमस्ते जी। पहले तो ये बताइए कि एक जो मिथ है कि साइबेरियन हस्की हॉट क्लाइमेट में रह नहीं सकता, खासकर आप जयपुर में। हाँ, थोड़ा बताइए, क्लियर कीजिए लोगों। सर आप पीछे देख रहे हैं वहाँ एक पंखा लगा हुआ है, तो साल के अंदर 12 महीने के अलावा 10 महीने वो पंखे से ही काम चलता है। ये सारे डॉग जो आप देख रहे हैं दे आर टोटली हेल्दी एंड दे आर ब्रीडिंग। इट मीन्स अगर एक डॉग बच्चे पैदा कर रहा है और वो हेल्दी है, इट मीन्स उसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है, गर्मियों में आपको, मुझे, सबको गर्मी लगती है, एक देसी डॉग को भी गर्मी लगती है, तो वो कूलर एसी तो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी मेरा ये डॉग विदाउट एसी एक कूलर के अंदर अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है एंड ही इज़ ए नॉर्मल हैप्पी डॉग। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो स्टैंडर्ड कोट के पप्स होते हैं, जो छोटे बाल वाले होते हैं, नॉट अ वूली डॉग, वो हॉट वेदर में और अच्छे से रह लेते हैं, क्योंकि इनका जो कोट आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो अंडर कोट होता है ये एयर को ट्रैप करता है, तो एयर ट्रैप होती है तो बॉडी के आसपास का जो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन लेवल पे रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे बाहर सर्दी हो। इसलिए जो सर्दी की जगह होती है वो -30 में भी रह लेता है और +30 में रह लेता है। +30 के ऊपर सभी को गर्मी लगती है, तो एक पंखा या एक कूलर तो होना ही चाहिए। और तेज़ गर्मियों के महीने में आप अपने लिए लगाएं, वहीं अपने बेड के पास इन बच्चों को भी बिठा लें, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। बाकी जितने भी आप डॉग देख रहे हैं इनमें से एक बाहर का है, बाकी सब जयपुर बॉर्न ही है, तो यहाँ पैदा हो रहे हैं, 4 पीढ़ी से पैदा हो रहे हैं, तो दे आर टोटली नॉर्मल ओवर है। तो आपके पास अभी फार्म में पप्स हुए हैं, कितने मेल और कितने फीमेल? इस लीटर के अंदर मेरे पास 4 फीमेल्स हैं और एक मेल है। एक फीमेल मैं खुद के लिए रिटेन करूँगा, तो 3 फीमेल्स अवेलेबल होंगी और एक मेल अवेलेबल होगा, जिसके अंदर ऑड आइज, ब्लू आइज, नॉर्मल आइज सभी बच्चे हैं। बट मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, बच्चा चाहे मुझसे लें या किसी और से लें, हस्की लें या कोई और ब्रीड लें, उसके कलर या आँखों के कलर पे ना जाएं, उसकी बॉडी के एनाटॉमी पे जाएं कि वो बच्चा कैसी एनाटॉमी को फॉलो कर रहा है। उधर उन बच्चों का एक फादर खड़ा है, तो आप उसकी एनाटॉमी देखेंगे तो उसके पीछे वाले हॉक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी बैक कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी नेक कितनी अच्छी है। सेम इन बच्चों में भी चीज़ें आनी चाहिए। इसी बात का हम आपसे पैसा ले रहे हैं, अदरवाइज आप जो पैसा पे कर रहे हो वो सब वेस्ट है। इसके आप हॉक्स देखेंगे, इसके आप टेल देखेंगे, फिर इसकी टॉप लाइन है, इसमें कहीं कोई बेंड नहीं होना चाहिए,
सामने से इसके पैस्टन है वो स्ट्रेट होने चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, और बाद में आप इसका फ्रंट देखें तो एक अच्छे शो डॉग जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम आपको अगर शो डॉग कह के दे रहे हैं तो वो चीज़ वैसी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, ब्रीडर भी नाखुश होता है, आप भी नाखुश होते हो, बात ख़राब हो जाती है। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो चीज़ आपको बता के दें चीज़ वो ही निकले। तो सजेशन मेरा यही है, कभी भी एक बच्चा कहीं से भी कोई भी ब्रीड का लें, आँखों का कलर, बॉडी का कलर मेल फीमेल देख के ना लें। बच्चा हेल्दी हैप्पी एक अच्छी ब्लड लाइन का रजिस्टर्ड ब्लड लाइन का डॉग होना चाहिए, जिसमें कोई अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि चैंपियन ब्लड लाइन है, इम्पोर्ट ब्लड लाइन है, तो उनसे प्रूफ मांगो कि भैया पेपर में दिखाओ कौन सा डॉग आपका इम्पोर्ट है, कौन सा डॉग आपका चैंपियन है, और तब वो दिखाए तब आप बिलीव करो। तो हम यही कहते हैं 50-60 दिन से छोटा बच्चा ना लो, आपको भी समझ में नहीं आएगा, ब्रीडर को भी समझ में नहीं आएगा, आप ले जाओगे कभी उल्टी कर रहा है, कभी उसके लूज मोशंस हो रहे हैं। एक अच्छा खाता पीता बच्चा, सेल्फ डिपेंडेंट आपको हमेशा लेना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं आती 50 दिन बच्चा रखने में, हम आपकी प्रॉब्लम कम ही कर रहे हैं। तो आप तो कोशिश ये करो 50-60 दिन का बच्चा लो जो अपना काम खुद करे, चले फिरे, ना बीमार हो, वैक्सीनेटेड हो, रजिस्टर्ड हो। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे महेंद्र सिंह जी धोनी जो हमारे देश के हीरो हैं, हमारे देश के आर्मी के जवान भी हैं और हमारे लेजेंड ऑफ क्रिकेट भी हैं, उनके घर में भी एक हस्की है। आपने उनकी फिटनेस तो देखी है, हम सब उनकी फिटनेस जानते हैं। तो हस्की आपको हमेशा प्लेफुल रखेगा, आप इसे 2 बजे उठा लें तो भी आपके साथ खेलने को तैयार है। और मैं तो ये चाहूँगा कि धोनी सर के घर में एक हमारे यहाँ का बच्चा भी हो, मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें एक बच्चा ज़रूर दूँ, क्योंकि उनके यहाँ बड़े प्यार से हमारे बच्चे रहेंगे। कोई भी हमारे बच्चे ले, हम हमेशा चाहते हैं, हम उनसे हमेशा रिवर्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारा बच्चा कैसा है, क्या चल रहा है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारा एक बच्चा उनके यहाँ पर भी हो। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये संदेश दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बोला छोला जैसे चैनल्स पर आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एक डॉग अच्छे से कैसे रेज होता है, एक ब्लड लाइन क्या होती है, एक स्टैंडर्ड कैसा होता है। आप 30-40 मिनट खर्च करें ना, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा विराम ले लें और ये देखें आपको कैसा डॉग लेना है। आप पेट शॉप पे जाके ये नहीं पूछें भैया कौन कौन सी ब्रीड है, तब वो क्या करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा, आपको बोलेगा नहीं ये लैब्राडोर मतलब इसमें ये होता है, आप रेट्रीवर ले लो। आप अपनी पढ़ाई खुद करके जाओ, खुद स्मार्ट बनो, 7 दिन खराब करो फिर डॉग लो, आप भी हैप्पी रहोगे, पेट शॉप वाले को भी ईजी होगा, ब्रीडर को भी ईजी होगा, और आपको एक अच्छा डॉग मिलेगा जो 10 साल तक हेल्दी हैप्पी लाइफ रहेगा आपका फैमिली मेम्बर बन के। गाइज मैंने तो बहुत सारे सवाल किए अलग अलग ब्रीड स्पेशली हस्की के बारे में, अगर आपसे आपके मन में भी कोई सवाल हो तो मैं सर का नंबर आपको दिलाना चाहता हूँ, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर अपना लोकेशन, कोई कैनल का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। सर मेरे कैनल का नाम है रेड फॉक्स लेगेसी, इट्स FCI रजिस्टर्ड कैनल, और FCI की वेबसाइट पे कोई चाहे तो मेरा नाम भी सर्च करके देख सकता है। दूसरी बात ये है मेरा कैनल लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में, और जिस जगह को बहुत ज़्यादा गर्म कहते हैं। ये जयपुर की पैदाइश है, इस बच्चे में क्या कमी है, आपको कहीं कुछ लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझाऊंगा जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। मेरा नंबर है 7014530614 और दूसरा नंबर है 9414423 87, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है REDFOXKENNEL रेड फॉक्स कैनल। गाइस जल्दी से कॉल कीजिए, फॉलो कीजिए, बहुत इंफॉर्मेशन का भंडार है इनके पास। थैंक यू जी, थैंक यू जी।